प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजी लेसन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का अध्याय 9 बरखा गीत का अध्ययन करेंगे। आज हम इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। इस पाठ के कवि हैं रमानाथ अवस्थी। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कवि रमानाथ अवस्थी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। कविवर रमानाथ अवस्थी का आधुनिक हिंदी के नवगीतकारों में अधिक उल्लेखनीय स्थान है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 8 नवंबर सन 1924 को हुआ था। आपने अपनी शिक्षा प्राप्ति के दौरान गीत रचना संसार में प्रवेश कर लिया था। धीरे धीरे आप आधुनिक हिंदी रचना की एक अधिक मजबूत कड़ी के रूप में बनकर साहित्य आकाश पर छा गए। इस तरह आपका नाम राष्ट्रीय स्तर के कवियों में प्रसिद्ध हो गया। अगर हम आपकी रचनाओं के विषय में चर्चा करें तो हम यह अवश्य कह सकते हैं कि आपके गीतों में न केवल प्रकृति का मनमोहक दृश्य है, अपितु उसमें सामाजिक वास्तविकता और मानवीय संवेदनाओं का उफनता हुआ सागर भी है। आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रात और सहनाई, आग और पराग, बंद ना करना द्वार आदि। ठीक है, तो ये रमानाथ अवस्थी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम इस पाठ की व्याख्या समझते हैं। इस पाठ में 3 पद हैं जिसमें कवि ने अपनी बृह दशा का वर्णन किया है। कवि अकेले होने के कारण दुखी महसूस करते हैं, कोई उनका साथ ही उनके साथ नहीं है, इस कारण से वो वियोग की पीड़ा से ग्रसित हैं, इसलिए उन्होंने अपने दुख का वर्णन इस पाठ में किया है। ठीक है, तो इसमें 3 पद हैं, हम तीनों पदों का एक एक करके अध्ययन करेंगे, इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले हम पहले पद का अर्थ समझते हैं। तो पहले पद का हम पहले संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ क्या होगा? इस पद का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य वासंती के अध्याय बरखा गीत से लिया गया है। इसके कवि रमानाथ अवस्थी हैं। ठीक है, तो ये इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग क्या होगा? इसका प्रसंग ये है, कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने अपनी अकेलेपन की पीड़ा को व्यक्त किया है, तो ये इस पद का प्रसंग हो जाएगा। अब इसका अर्थ, अर्थ क्या होगा? देखिए, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया, मुरझाई धरती हरी हुई, गीती ककरियाँ भरी हुई, अंबर पर बोराई बदली, झूले पर लहराई कजली, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। तो देखिए क्या इसका अर्थ हुआ। कवि कहते हैं कि जो बादल, क्या है, बारिश का मौसम है तो चारों ओर बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में धरती सुहावनी हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो ऐसे समय में सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु कवि जो कि अकेले हैं, उनका साथी उनके पास नहीं है, इस कारण से वो दुखी हैं, उसके बृह में वो दुखी हो गए हैं, और ये जो बारिश है, बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है, ये उनकी पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा देता है। कवि कहते हैं कि चारों ओर बारिश हो रही है, बारिश का सुहावना मौसम है, परंतु जो बादल मेरी प्यास समझ पाता वह अभी तक आया नहीं है। मतलब ऐसा मौसम नहीं आया है जो कि उनके दुख को दूर कर सके। कवि कहते हैं कि मुरझाई धरती हरी हुई, जो धरती गर्मी से मुरझा रही थी, गर्मी की तपन से जो अभी तक जल रही थी वो हरी भरी हो चुकी है, और उसके सारे जो छोटे छोटे पौधे थे वो जो मुरझा रहे थे वो हरे भरे हो गए हैं, वो फिर से बढ़ने लगे हैं, तो पूरी धरती हरी हो चुकी है, और जो गगरियाँ अभी तक खाली थीं, रीति हुई थीं, रीति का मतलब होता है रिक्त या खाली, जो अभी तक खाली थी वो भी भर गई, अर्थात नदियों में, पोखरों में, तालाबों में पानी आ चुका है, चारों ओर पानी भरा हुआ है और हरियाली भी छा रही है, और अंबर यानी आकाश पर बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, और ऐसे मौसम में झूलों पर जो गीत गाए जाते हैं, कजलियाँ गाई जाती हैं, कजली एक प्रकार का गीत होता है जो कि सावन के महीने में गाया जाता है, तो झूलों पर कजलियाँ गाई जा रही हैं और चारों ओर सुहावना मौसम है, लेकिन जो गीत जो मेरे मन पर लहराता है, जो गीत कवि के मन को प्रसन्नता दे पाता, ऐसा गीत अभी तक गाया नहीं गया है। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। तो जो भी गीत कवि के मन पर लहराता, अर्थात जो कवि के मन को प्रसन्न कर पाता, ऐसा गीत अभी तक नहीं गाया गया है, और
ये इस पूरे पद का अर्थ हमारा हो गया। एक बार हम इसका पूरा पद एक साथ समझ पूरे पद का अर्थ एक साथ समझते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि बारिश का मौसम है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, परंतु जो बादल मेरी प्यास को समझ पाते, जो मेरे मन को शांत कर पाते, मेरे दुख को जो बादल दूर कर पाते हैं, ऐसे बादल अभी तक आए नहीं हैं। चारों ओर मुरझाई धरती हरी हो चुकी है, हरियाली छा चुकी है, और जो गगरियाँ अभी तक खाली थी वो भी भर गई हैं। नदियों में तालाबों में पानी भरा हुआ है, आकाश पर काले बादल छा रहे हैं और झूलों पर कजलियाँ गाई जा रही हैं। लेकिन जो भी गीत मेरे मन पर लहराता, जो मेरे मन को प्रसन्नता दे पाता है, ऐसा गीत अभी तक गाया नहीं गया है। तो ये इस पद का अर्थ हो गया। अब इसका विशेष देखिए, इसमें इसका विशेष क्या है, इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और कवि की पीड़ा इसमें व्यक्त है। ठीक है, तो ये हमारा विशेष हो जाएगा। अब देखिए अगला पद, अगला पद है, इस पद का संदर्भ पूर्वानुसारी रहेगा और इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग ये होगा कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, अपने साथी के पास ना होने के कारण कवि को जो पीड़ा हुई है उसको उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कवि ने अपने अधूरेपन की पीड़ा को व्यक्त किया है। इसका प्रसंग क्या होगा, कवि ने अपनी अधूरेपन की पीड़ा को व्यक्त किया है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुस्थल महका मधुमन। कवि कहते हैं कि बादल टूट कर बरस रहे हैं, मतलब बादल टूटने का अर्थ है कि बादल बहुत तेज बारिश कर रहे हैं, बादलों से पानी बहुत तेज गिर रहा है, और जो पानी है वह कैसा है, जीवन के समान है। बरसा जीवन, जो पानी है वो जीवन के समान है, क्योंकि उस पानी से धरती के छोटे छोटे जो पौधे हैं वो फिर से बड़े होने लगे हैं, उन्हें नया जीवन मिल गया। इसलिए जो पानी है वो कैसा है, जीवन के समान है। इसलिए कवि ने लिखा है कि बादल टूटे बरसा जीवन, कि बादलों से बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, और जीवन और उस पानी के रूप में मानो जीवन धरती पर गिर रहा है, और उससे उस पानी से पूरा मरुस्थल भीग चुका है। भीगा मरुस्थल, जो मरुस्थल था वो भी भीग चुका है, उसकी तपन भी शांत हो गई है। महका मधुवन, और मधुवन था वो महकने लगा है, क्योंकि उसमें नए नए फूल आ गए हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं, इस कारण से मधुवन भी महकने लगा, अर्थात जो भी वन है वो सभी महकने लगे हैं। पेड़ों की छाय हुई गहरी, और जो पेड़ों की छाँ थी वो भी गहरी हो गई, क्योंकि जब पानी गिरता है तो पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, और उन पत्तों के आने से क्या होता है, पेड़ों की जो छाँ होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि उनके जो नए नए पत्ते आते हैं उससे क्या होता है, पेड़ों की जो पत्तों की सघनता बढ़ जाती है, और उस सघनता से उनकी छाँ भी एकदम गहरी हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि पेड़ों की छाया भी गहरी हो चुकी है, इसका साथी दिन का प्रहरी, और इन सब का साथ देने के लिए इनके साथ कौन है, दिन का प्रहरी। दिन का प्रहरी कौन होता है, सूर्य। इन सभी का साथी कौन है, सूर्य इनके साथ है। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। आगे कवि कहते हैं लेकिन जो मेरा साथी होता वह अभी तक मेरे पास नहीं है, वह रूप वह सौंदर्य मेरे पास अभी तक नहीं है, वह अभी भी कहीं भरमा रहा है, कहीं भटक रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कवि की पीड़ा व्यक्त है, और ये पूरे पद का अर्थ होता है। अब हम एक बार इसका अर्थ और देखते हैं। कवि कहते हैं कि बादलों से बहुत तेज बारिश हो रही है, और ये इस बारिश के रूप में जो जल गिर रहा है वह जल जीवन रूपी है, वह जीवन के समान है जल, उससे पूरा मरुस्थल भीग गया है, मरुस्थल की तपन गर्मी शांत हो गई है, जो मधुवन है जो वन है वो सभी महकने लगे हैं, उनमें नए नए फूल खिल रहे हैं, और पेड़ों में नए नए पत्ते आ गए हैं, नए नए पत्तों के आने से पेड़ों की छाया और ज़्यादा गहरी हो गई है, और इन सब का साथ देने के लिए इनका साथी कौन है, दिन का प्रहरी अर्थात सूर्य इनके साथ है। लेकिन जो मेरा साथ दे पाता वह रूप वह सौंदर्य अभी तक मेरे पास नहीं है, वह कहीं भटक रहा है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब इसका विशेष वही होगा, इसमें भी सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब देखिए अगला और आखिरी पद है हमारा, तीसरा पद, इसका संदर्भ तो वही रहेगा पूर्वानुसार, प्रसंग भी हम पूर्वानुसार लिख सकते हैं, इसका प्रसंग वही है, इसमें कवि ने अपने अधूरेपन की पीड़ा को व्यक्त किया। ठीक है, देखिए इसका अर्थ,
बरखा के भय की डरी डरी बजती है दूर कहीं बंसुरी। कवि कहते हैं कि बरखा, बरखा यानी वर्षा, वर्षा के भय से कहीं दूर बांसुरी बज रही है। कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो वर्षा के डर से कहीं दूर कोई बांसुरी बजा रहा है, और उस बाज और उस बांसुरी की तान सुनकर जागी फिर से सोई पीड़ा। और उस बांसुरी की तान को सुनकर कवि के हृदय में जो पीड़ा जो अभी तक सो रही थी वो फिर से जाग गई, अर्थात कवि उस बंसी की तान सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं। फिर विकल हुई कोई मीरा, और कवि को ऐसा लग रहा है मानो कि कोई मीरा कहीं फिर से विकल हो गई है अपने प्रियतम से बिछड़ जाने के कारण। कोई मीरा कहीं फिर से विकल हो रही है, मतलब कवि को जो दुख हो रहा है वो मीराबाई के दुख के समान है। जैसा दुख मीराबाई को अपने प्रियतम से बिछड़ने का था, वैसा ही दुख कवि को अपने साथी से बिछड़ने का हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जैसे कि कोई मीरा फिर से कहीं विकल हो रही है। जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया, और कवि कहते हैं जो इस पीड़ा को दूर कर सकता, मेरे मन को जो शांति दे सकता ऐसा घनश्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण अभी तक नहीं आया। अर्थात कवि का कहना है कि उन्हें ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला है जो उनके दुख को दूर कर पाता। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। एक बार और देखिए पूरा अर्थ। कवि कहते हैं कि बारिश के डर से कहीं दूर कोई बांसुरी बजा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि बारिश के डर से वह के कारण कहीं कोई दूर बैठकर बांसुरी बजा रहा है, और उस बांसुरी की तान सुनकर कवि के हृदय में सोई हुई पीड़ा फिर से जाग गई है। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मीराबाई फिर से विकल हो रही हैं, अर्थात जो दुख मीराबाई को था वही दुख कवि अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो भी इस दुख को दूर कर सकता, जो इस पीड़ा को दूर कर सकता वह घनश्याम अर्थात ऐसे भगवान श्री कृष्ण अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है जो उनके दुख को दूर कर सकता। ठीक है, तो ये इस पद का अर्थ हो गया। अब इसका विशेष क्या होगा? इसमें सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, और पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ऊपर इसकी पहली पंक्ति क्या है? बरखा के भय से डरी डरी, तो यहाँ पर डरी शब्द दोबारा आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें है, तो ये इसका विशेष हो जाएगा। तो हमारा ये बरखा गीत पाठ की संदर्भ संग सहित व्याख्या पूरी होती है। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।